यस ओके ठीक है, तो आज से हम देखने वाले बूटस्ट्रैप। ओके, तो बूटस्ट्रैप कैसे लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे कर दिया जाता है, वो सब कुछ हम देखेंगे। ओके, इसमें फॉर्म डिजाइन तक हम देखेंगे। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक फ्री एंड ओपन सोर्स सीएसएस फ्रेमवर्क है। क्या है? ओपन, फ्री और ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, सीएसएस फ्रेमवर्क से। जैसे कि अब तक हमने देखा था कि हम सीएसएस में हर बार हम डिजाइन को बनाते थे, ठीक है, और उस क्लास को हम अप्लाई करते थे। ठीक है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने क्या क्या है, कुछ क्लासेस हमें प्रोवाइड किए हैं। ओके, इसने प्री डिफाइंड कुछ स्टाइल्स बना के हमें प्रोवाइड किए हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहो तो आप उसके साथ आपका कुछ कस्टम सीएसएस लगा सकते हो। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप में हमें बूटस्ट्रैप के अंदर क्या क्या रहता है? तो बूटस्ट्रैप में दो चीजें रहती है, जैसे कि सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ये दोनों उसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। ओके, तो सीएसएस का हम इस्तेमाल तो करने वाले हैं। ओके, बट जो जावास्क्रिप्ट है वो ऑप्शनल है, ये डिपेंड है आपके ऊपर कि आपको इसका इस्तेमाल करना है या ना नहीं करना है। ओके, और इसके इस्तेमाल से आप क्या बना सकते हो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। ओके, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मीन्स वो किसी भी डिवाइस पे वो प्रॉपर दिखे। ठीक है, जैसे कि आपके मोबाइल पे या फिर आपका टैब अगर है आपके पास तो टैब पे, या फिर कोई अगर आपके पास मिनी लैपटॉप है, स्मॉल लैपटॉप, तो उसके ऊपर भी दिखे। ओके, या फिर अगर आपको किसी 32 इंच के या फिर 24 इंच का डिस्प्ले है आपके पास, उसके ऊपर भी दिखे, रिस्पॉन्सिव दिखे। ओके, तो उसके लिए बूटस्ट्रैप इंट्रोड्यूस है, मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। ओके, इसका इस्तेमाल मोस्टली क्यों होता है, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे दो तरीके से हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करना देखेंगे कि इसको ऐसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसको। ओके, दो तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक है, एक आप डायरेक्टली ऑनलाइन लिंक यहाँ पे दे सकते हो, या फिर आप उस बूटस्ट्रैप के फोल्डर को, एक जिप को डाउनलोड करके उसका भी पाथ दे सकते हो। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालना है गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम, गूगल पे आपको सर्च करना है। देन देखो आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम, जिसको आपको ओपन करना है। ठीक है, ये देखो ओपन हो गई। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, खाली स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है, और यहाँ पे देखो आपको सीडीएन मिल रहा है, इंक्लूडेड सीडीएन दिख रहा है, इंक्लूड सीडीएन। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सीएसएस का लिंक इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, और ये जावास्क्रिप्ट का है। ठीक है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी लेना है तो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट कैसा है, इसके अंदर ऑप्शनल है। ठीक है, तो मैं अभी पहले सीएसएस को ही लेता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। देखो लिंक टैग है, हमने सीएसएस के टाइम पे भी इसको देखा था, एक्सटर्नल सीएसएस अगर हमें यूज करना है तो हम लिंक टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को मैं कॉपी करूंगा, और पहले सबसे पहले उसको कॉपी तो कर लिया मैंने, बट मैं यहाँ पे कुछ तो लिख देता हूँ सबसे पहले। जैसे कि मैं यहाँ पे एक हेडलाइन टैग ले देता हूँ, H1, दिस इज बूटस्ट्रैप। ओके, तो देखो इसमें मैंने क्या क्या, एक खाली एक स्टेटमेंट लिखा है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका फॉन्ट साइज आप देखो, फॉन्ट का स्टाइल देखो। ओके, और अभी इसको इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको और एक जगह पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, जो हमने कॉपी किया था यहाँ से, ये जो सी एस एस लिंक हमने जो कॉपी किया था, इसको खाली मैं करता हूँ यहाँ पे हेड टैग के अंदर, यहाँ पे उसको पेस्ट करूंगा। ये हमारा फर्स्ट वे है कि हमने क्या किया, ऑनलाइन लिंक लिया है, उसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो फॉन्ट जो था, फॉन्ट का स्टाइल चेंज हुआ क्या? देखो पहले आपका ऐसा था और अभी देखो दिख रहा है क्या चेंजेस?
ओके, तो कुछ तो प्रीडिफाइंस उन्होंने बना के रखे है। अगर आप कोई एलिमेंट लेते हो, जैसे कि मैंने H1 एलिमेंट लिया है, टैग लिया है, तो इसके लिए उन्होंने कुछ तो प्रीडिफाइंड इस लाइब्रेरी में, इस फाइल में, यहाँ पे जो फाइल रहेगी CSS की, उसके अंदर हम उन्होंने कुछ तो करके रखा है। कुछ तो स्टाइल बना के रखी है कि वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया हमारा ऑनलाइन तरीका कि हम ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं। ठीक है, बट हम कभी भी ऑनलाइन ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे वर्जन्स आपको दिखेंगे। तो ये वर्जन बाय वर्जन इनके क्लासेस में चेंज हो जाता है। कुछ कुछ चेंज हो जाता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, मोस्टली ऑफलाइन ही देते हैं इसको। मीन्स उसका जो एक जिप फाइल होगा उसको डाउनलोड करेंगे हम। तो इसका जिप फाइल हम डाउनलोड करते हैं। डॉक्स में जाता हूँ, डाउनलोड्स। देखो यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन दिख रहा है इंट्रोडक्शन के बाद, तो इस सेक्शन में आपको जाना है डाउनलोड्स। और यहाँ पे देखो आपको देख मिलेगा कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ये डाउनलोड बटन है, यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है खाली। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपका एक जिप फाइल डाउनलोड होगा। कहाँ पे इसको करना है, आपका ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये डाउनलोड होगा तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें एक बूटस्ट्रैप और जो वर्जन है अभी करंट वर्जन जो चल रहा है, देखो यहाँ पे 5.2, उसी वर्जन का फोल्डर मुझे यहाँ पे मिला है। उसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा मेरे फाइल के पास। यहाँ पे देखो ये मेरा फाइल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो मैं पहले तो इसको ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट, इसको कट करके यहाँ पे लाता हूँ। ये देखो यहाँ पे है मेरा, तो इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, देन इस पे ऊपर मैं क्लिक, इसको कट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे, यहाँ से नहीं अप्लाई कर सकता मैं उसको, मेरे UI फोल्डर से अप्लाई करूँगा। तो मेरे UI के अंदर ही मैं जाऊँगा, बूटस्ट्रैप नाम का मैंने फोल्डर बनाया है, इसके अंदर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद इस पर राइट क्लिक करूंगा, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एक्सट्रैक्ट हियर ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना आपके पास, अगर ये मेरा एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है मेरे पास विंद्रार करके, उसके वजह से ये आइकॉन अलग दिख रहा है। ठीक है, आपके पास अगर ये नहीं होगा तो ऐसा आइकॉन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको ओपन कर लो और इसके बाद आप इसको खाली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, तो ये भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस पर राइट क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट हियर, ऐसा भी आप कर सकते हो। एक्स्ट्रा हेयर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जिप के लिए भी। ठीक है, तो ये फोल्डर अगर आप ओपन करोगे, इसको अगर हमने ओपन किया तो देखो इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, दो फोल्डर्स मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि इसके अंदर क्या क्या रहता है, CSS रहता है और जावास्क्रिप्ट रहता है। ठीक है, हमने अभी तक तो जावास्क्रिप्ट के बारे में तो देखा नहीं है, तो इसको बाद में देखते, बाद में बात करते इसका। तो CSS जब भी आप यहाँ पे ओपन करोगे तो देखोगे यहाँ कि यहाँ पे सब कुछ CSS के फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। यानी इन लोगों ने क्या किया है, पहले से आपके लिए प्री डिफाइंड कुछ स्टाइल बना के रखी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कोई स्टाइल, कोई भी आप वेबसाइट अगर आपको बनाना चाहते हो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहाँ पे ग्रिड भी है, बूटस्ट्रैप ग्रिड, जैसे हमने CSS में ग्रिड देखा था। तो ग्रिडिंग सिस्टम के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम फाइल का पाथ देंगे इसका, कौन सा, बूटस्ट्रैप मिन डॉट CSS। तो एक्चुअली आप इसका भी दे सकते हो, दोनों का दे सकते हो। ठीक है, बट इसमें डिफरेंट क्या है कि इसमें जो है मीन मीन्स माइनर, माइनर वर्जन है ये, इसी का माइनर वर्जन है। इसमें आपको कोई भी व्हाइट स्पेस, न्यू लाइन्स नहीं दिखेगा। मोस्टली डेवलपर जो है इसी फाइल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कि इसका साइज कितना है और इसका साइज कितना है, दिख रहा है सामने ही आपके। आई थिंक 40 KB का ये फाइल जो है, इसमें 40 KB कम है।
रिड्यूस किए उन लोगों ने, जो व्हाइट स्पेसेस थे उनको हटा के 40 स्पेसेस मीन्स 40 KB रिड्यूस किए हैं। तो जितना आपका वेबसाइट लाइट वेट होगा उतना वो रिलोड होने में आसान हो जाएगा, उतने फास्टली वो लोड हो जाएगा आपके सिस्टम पे। ओके, इसलिए हम कभी भी क्या करते हैं, लाइटर वर्जन जो है वही इस्तेमाल करना है आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि व्हाइट स्पेसेस है यहाँ पे। देखो यहाँ पे व्हाइट स्पेसेस है, ये देखो ये वेरिएबल्स इन लोगों ने बनाए, हमने बनाए थे क्या सीएसएस में वेरिएबल ऐसा रूट करके बनाए थे क्या? और देखो इन्होंने कुछ कलर्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स इन्होंने प्रीडिफाइन यहाँ पे लगा रखे हैं। देखो यहाँ पे ये न्यू लाइन है, ये न्यू लाइन है, ओके, यहाँ पे देखो ये न्यू लाइन है, ठीक है। तो ऐसा ये जो व्हाइट स्पेस है, ठीक है, इनको उस मीन फाइल में नहीं रखा है। ओके, ये देखो आप यहाँ पे कैसे आपको व्हाइट स्पेसेस दिख रहे हैं, ओके, वहां पे आपको ये नहीं दिखेगा। देखो इसको ओपन करता हूं मैं, देखो कहीं पे भी आपको न्यू लाइन या फिर कोई स्पेस दिखे तो बता, दिख रहा है क्या कुछ स्पेसेस? ओके, तो उन लोगों ने क्या किया है, सब व्हाइट स्पेसेस हटा दिए, ठीक है, और उन्होंने उतना स्पेस कम कर दिया, यानी उतने फाइल का साइज जो है रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 40 KB के आसपास इन लोगों ने साइज जो है कम किया है इस फाइल का। तो हम भी इसको इस्तेमाल करेंगे, मीन को, मीन फाइल को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसे अभी हम लगाएंगे कैसे? ओके, तो इसका पाथ आपको कॉपी करना है। तो पाथ कॉपी करने के लिए कैसे आप पाथ को कॉपी कर सकते हो? तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आपका बूटस्ट्रैप यहाँ तक फोल्डर है, ओके, तो ये दो ही फोल्डर आपको कॉपी करने हैं। तो खाली यहाँ पे क्लिक करो और इतना ही पोर्शन कॉपी कर लो, ओके, जो भी आपका फोल्डर का नाम है वो और सीएसएस का फोल्डर का नाम, इतना ही आप कॉपी कर लो और उसके बाद आपका फाइल का नाम रहेगा। या फिर आप इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज पर जाओ और यहाँ से बूटस्ट्रैप के अंदर हमारा फाइल है इसको कॉपी कर लो, इसको भी आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे भी वही लोकेशन है, यहाँ पे भी वही लोकेशन है, दोनों समझ में आया क्या कैसे लेना है? तो हेलो, यस सर, हाँ ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक टैग लेंगे, लिंक टैग और एच रेफरेंस इज इक्वल टू इसको पेस्ट कर दूंगा मैं, रिलेशन जो है मेरा यही लगेगा, तो मैं इसी को यहाँ पे दे देता हूँ इसको, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे फाइल का नाम, ठीक है। तो इसको पहले कमेंट कर लेता हूँ मैं, कॉपी, ये जो हमने ऑनलाइन लिया था इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट कर लिया। देन अगर आप देखोगे कि आपका बूटस्ट्रैप अप्लाई हो रहा है क्या, तो नहीं, पुराने जैसे फॉर्मेट था उसी के अंदर वो आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे स्लैश बूटस्ट्रैप स्लैश को मैं चेंज कर लूंगा और उसके बाद सीएसएस के बाद हमारे फाइल का नाम दूंगा। कौन सी फाइल मैंने बताई आपको, कौन सा फाइल लेना है आपको, बूटस्ट्रैप mean.css, कौन सा फाइल है आपका, bootstrap mean.css, ठीक है। तो इसका नाम जो है हम यहाँ पे देंगे bootstrap .mean.css, ठीक है, सेव किया मैंने इसको और अभी हम इसको चेक करते हैं। देखो हो रहा है क्या अप्लाई? ठीक है, तो ऐसे भी आप उसका पाथ दे सकते हो, ये तो ऑनलाइन है,
ये हमने ऑनलाइन लिया था, और ये हमने उस फोल्डर को, बूटस्ट्रैप के फोल्डर को मीन्स उसको डाउनलोड किया एक जिप फाइल के अंदर, और वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करके हमने उस फाइल का नाम दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो आप लोग। लिया सर। लिया, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर हम कलर्स को देख लेते हैं, ओके, कि इसके अंदर कौन कौन से कलर्स है। ठीक है, तो ठीक है, तो इन्होंने कुछ प्री डिफाइंड कलर्स हमें दिया है, ओके, जैसे कि प्राइमरी नाम का कलर है जो हमें ब्लू कलर देगा, देन सेकेंडरी है जो हमें ग्रे कलर देगा, सेकेंडरी मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, देन इन्फो, देन डार्क, लाइट, ओके। ये बेसिक कलर इन्होंने प्रोवाइड किए हमें, ठीक है, कि अगर आपको इसके ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको कुछ कलर देना है तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे आप करोगे, तो ये क्लासेस है, प्री डिफाइंड क्लासेस है, अगर आप इसके अंदर देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे देखना, अगर आपको चेक करना है उस क्लास को तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको एडिट फाइंड, कहाँ पे फाइंड, ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइट, डाउन से लिख नहीं करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉट सक्सेस भी होना चाहिए, सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, कलर्स के नाम है, बट इसके आगे हमें क्या कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, ओके, तो वो नहीं दिया था मैंने बराबर है। तो अगर मुझे टेक्स्ट के ऊपर अगर मुझे इसको अप्लाई करना है, जैसे कि ये मेरा टेक्स्ट है, इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास एट्रीब्यूट का मैं इस्तेमाल करूंगा, देन इस क्लास एट्रीब्यूट के साथ यहाँ पे मिलूंगा टेक्स्ट, अगर मुझे टेक्स्ट को अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे लूंगा टेक्स्ट हाइफन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाइट सपोज, ठीक है, सेव किया मैंने इसको, और हम चेक करते कि ये कैसे दिख रहा है, दिख रहा है क्या, एकदम लाइट ग्रे कलर में आपको दिख रहा है ये? हेलो, यस सर, यस ठीक सर। है, वैसे डार्क क्या रहेगा आपके, ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट करेगा आपके टेक्स्ट को, क्या करेगा वो ब्लैक कलर के अंदर वो रिप्रेजेंट करेगा। सेव, रिफ्रेश, देखो ब्लैक कलर के अंदर आ रहा है, ओके। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इन्फो दे दूँ तो आपको स्काई ब्लू कलर मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं इन्फो दे दूँ तो कौन सा कलर मिलेगा, स्काई ब्लू, देखो, ओके। अगर मैं यहाँ पे वार्निंग दे दूँ तो मुझे येलो कलर मिलेगा, ओके, वार्निंग, ठीक है, सेव, देखो, ओके। और
अगर मैं डेंजर दे दूं तो मुझे रेड कलर मिलेगा। सेव, देखो आ रहा है डार्क रेड कलर, ठीक है। वैसे ही मैं अगर सक्सेस दे दूं तो मुझे ग्रीन कलर मिलेगा इसके अंदर। सक्सेस से क्या होगा, ग्रीन कलर ये दिखाएगा मुझे। सेव, देखो ग्रीन कलर आ रहा है। ओके, और अगर मैं सेकेंडरी इस्तेमाल करूँ तो सेकेंडरी से क्या होगा, ये मुझे क्या करेगा, जो ग्रे कलर है उसके अंदर दिखाएगा, यानी जो मेरा टेक्स्ट है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा। देखो हो क्या क्या ग्रे कलर, ठीक है। और लास्ट वाला है आपका प्राइमरी, जो मैंने आपको बोला कि ब्लू कलर में आपको दिखाएगा। तो प्राइमरी देखो आ रहा है क्या ब्लू कलर में, ठीक है। तो ये कलर के लिए इनके कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस है ये, ओके, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, हम आगे जाके इनका ही इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर मुझे बटन को कलर देना है, मुझे ड्यू को कलर देना है, किसी भी, अगर जैसे कि मुझे ड्यू को कलर देना है, ओके, ये जो है ये मेरा एक बैकग्राउंड में है, ओके, बैकग्राउंड कलर मुझे देना है। तो मैं सपोज यहाँ पे मेरा एक ड्यू है, ठीक है, और ये सारा का सारा चीज मेरा किसमें है, एक ड्यू के अंदर, ठीक है। तो ये ड्यू के अंदर है सबका सब। और मुझे क्या करना है, इस ड्यू को कुछ तो कलर अप्लाई करना है, यानी दिखाना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, फिर से यहाँ पे क्लास लूंगा इज इक्वल टू, ओके, ये तो हो गया आपका टेक्स्ट कलर। ओके, ये क्या हो गया आपका टेक्स्ट कलर होगा। तो जैसे से ही, वैसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट कलर लिखे थे, वैसे ही आपको अगर बैकग्राउंड को अप्लाई करना है इसी इनमें से कोई कलर को, तो आपको खाली क्या देना है, बीजी मीन्स बैकग्राउंड बीजी, देन उसका इनमें से कोई भी कलर जो आप अप्लाई करना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि इन्फो रहे, बीजी इन्फो, सेव, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो दिख रहा है क्या। और इसको कर देता हूँ मैं लाइट, ओके, ठीक है। तो आप ऐसा इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपका बेसिक कलर्स हो गए, ठीक है। ये हो गए आपके बेसिक कलर्स, ठीक है। तो ये इन लोगों ने प्रीडिफाइन दिया है। अगर आपको कोई अलग कलर चाहिए देन आपको कस्टम सीएसएस लिखना पड़ेगा, ओके। जैसे कि मुझे ऑरेंज कलर चाहिए या फिर मुझे पर्पल कलर चाहिए, देन आपको क्या करना पड़ेगा, सीएसएस लिखना पड़ेगा। वो भी मैं दिखाऊंगा, बटन के साथ मैं दिखाऊंगा, क्योंकि बटन के साथ भी मैं इसी कलर्स को मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो दिखा देता हूँ मैं आपको बटन का भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बटन ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज एक बटन, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ, जो सपोज क्लिक हियर नाम का बटन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई करूंगा, क्लास इज इक्वल टू सपोज btn, btn से पहले इसको देख लो ये कैसे दिख रहा है। सेव किया मैं इसको, देन रिफ्रेश करता हूँ मैं, आप देखो कैसे दिख रहा है हमारा बेसिक एचटीएमएल में, जैसे हमारे बटन्स दिख रहे थे वैसा का वैसा दिख रहा है। बट हमने उसको सीएसएस अप्लाई करके स्टाइल दिया था क्या, स्टाइल अप्लाई किया था क्या, किया था ना। तो यहाँ पे वैसे ही बटन नाम का क्लास है, ओके, जिनने पहले से कुछ स्टाइल लिखी हुई है, ओके, हम उन्हीं क्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो कुछ चेंज हुआ क्या यहाँ पे, दिख रहा है आपको कुछ कुछ चेंज, ओके, यहाँ पे उसको कुछ तो स्टाइल अप्लाई हो गई, पैडिंग लग गया, उसका बैकग्राउंड कलर हट गया, ठीक है। अभी इसके साथ मुझे अगर ये कलर मुझे चाहिए, इनमें से कोई कलर मुझे चाहिए,
मुझे चाहिए लाइट कलर यहाँ पे दिखाना है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन हाइफन लाइट, ओके सेव। तो देखो दिख रहा है, हमने सुडो को सुडो क्लास भी इस्तेमाल किए थे। यहाँ पे कोई जरूरत पड़ रही क्या मुझे इस्तेमाल करने की? यहाँ पे खाली में प्री डिफाइंड जो क्लासेस हमें बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी से मिल रहे हैं, जो हमारा फोल्डर है जिप फाइल जो है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो मिल रहा है उसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा मेरा ये एक बटन बन गया, मैं वैसे सारे बटन आपको दिखा देता हूँ, ओके। तो ये जो है एक बटन आपका बन गया कॉपी, उसके बाद ये हमारा रहेगा डार्क, ओके। उसके बाद हमारा कौन सा है प्राइमरी दिखा देता हूँ मैं आपको, प्राइमरी ठीक है। प्राइमरी के बाद कौन सा है मेरा सक्सेस, सक्सेस को मैं देता हूँ। देन हमारा कौन सा सेकेंडरी, इसका कॉपी कर लिया मैं, इसको भी दिखाता हूँ। देन डेंजर रह गया, डेंजर और वार्निंग और इन्फो तीन रह गए, ठीक है। डेंजर वार्निंग इन्फो कॉपी, ठीक है। अभी इन्फो के लिए ये आपको कलर नहीं दिखेगा क्योंकि ये पहले से हमने बीजी कलर भी आज यूज किया है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। तो देखो यहाँ पे आपको ये कलर नहीं दिख रहा है, मैंने जैसे आपको कहा कि आपको ये नहीं दिखेगा, बट बाकी के दिख रहे हैं आपको, लाइट डार्क प्राइमरी सक्सेस सेकेंडरी डेंजर ओके वार्निंग और इन्फो, ओके। ये सारे के सारे बटन हमने बना दिए। अगर आपको एक बटन को एज अ लिंक रिप्रेजेंट करना है, जैसे हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते थे, ओके, वैसा अगर आपको करना है तो आपको खाली यहाँ पे btn हाइफन लिंक देना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, लिंक, अगर आप लिंक दिखाना चाहते हो तो लिंक सेव। देखो यहाँ पे एक लिंक दिख रहा है क्या, एंकर टैग जैसा, जैसे हम एंकर टैग में बनाते हैं तो ऐसा दिखता है क्या, याद आ रहा है क्या? ओके yes. तो वैसे वो दिखा रहा है कि अगर आपको किसी बटन को लिंक में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे बटन हाइफन लिंक नाम का क्या क्लास है उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके। बट अब सपोज समझो यहाँ पे ये जो कलर्स है इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ओके, या फिर एक मिनट हो और यहाँ पे देखो, पहले तो बटन का ही कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, देन मैं कलर्स का बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये फील हो के आ रहा है, बट मुझे ऐसा चाहिए कि इस पे जब मैं माउस ओवर करूँ या तब इसका कलर चेंज होना चाहिए, ओके। अभी तो हो ही रहा है बट पहले से फील है ये, जैसे कि बैकग्राउंड में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं इनको कॉपी करता हूँ सबको, इन्फो तक कॉपी किया मैंने इसको, और मैं यहाँ पे इनके साथ अभी एक आउटलाइन दूंगा, इनको क्या दूंगा मैं, आउटलाइन दूंगा, ओके। तो देखना यहाँ पे मैं लिखूंगा आउट लाइन, ठीक है, से लाइट से। तो देखो यहाँ पे बटन दिख रहा है आपको, अभी देखो इसका अपोजिट हो गया क्या, वो मैंने बोला था कि जैसे मैं ओवर करूंगा तो वो अप्लाई होगा स्टाइल, हो रहा है क्या वैसा? यस सर। ओके तो आउटलाइन से कह रहा है कि वो खाली आउटलाइन दिखाएगा व्हाइट कलर में, लाइट कलर में, और टेक्स्ट का भी लाइट कलर रहेगा आपका। जब भी आप उसके ऊपर माउस ओवर करोगे तब जाके वो आपको दिखाएगा। देखो तो ऐसे हम सबको आउटलाइन दे सकते हैं, किसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट। मल्टीपल प्रीडिफाइंड क्लास एक ही इसमें कॉल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लिंक तो सिंपल दिख रहा है, बट मुझे लिंक भी देना है, उसको कोई कलर से भी रिप्रेजेंट करना है।
हाँ तो सो कलर्स भी आप दे हाँ सकते हो, टेक्स्ट कलर दे दो ना आप उसको, टेक्स्ट कलर दे, मल्टीपल क्लासेस आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आगे जाके हम बूटस्ट्रैप का मैं आपको एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, इसमें स्टैटिक एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, तो हाँ तब देखना आप, मैं मल्टीपल एन नंबर ऑफ क्लासेस वहाँ पे लूंगा, मीन्स रहेंगे। एक्चुअली बूटस्ट्रैप जब भी आप इस्तेमाल करोगे तब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, अगर मुझे कोई फॉर्म ही बनाना है तो मैं लिखू क्यों, अगर मेरे पास प्री डिफाइन यहाँ पे है और मुझे बूटस्ट्रैप ही अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे आके मीन्स यहाँ पे फॉर्म सेक्शन में आके मुझे अगर फॉर्म ही बनाना है तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, स्टाइल पहले से प्रोवाइड हो रही है मुझे, तो मैं इतना क्यों मेहनत लूँ। ओके देखो इसको मैंने कॉपी किया, देन मैं यहाँ पे इसको आपके यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक एक ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आगे की बात है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये हम देखने ही वाले हैं बाद में। देखो एक फॉर्म आ रहा है यहाँ पे विद स्टाइल, जैसे हमने लॉग इन फॉर्म में कुछ स्टाइल अप्लाई किया था वैसे स्टाइल है क्या यहाँ पे। देखो पैडिंग है, इसके जो कॉर्नर्स है उनको रेडियस दिया गया है, बॉर्डर को रेडियस है इसके, अगर आप देखोगे तो बॉर्डर को रेडियस है, ठीक है। और हमारे जो बटन्स है सब में हमने क्या किया, आउटलाइन अप्लाई किया अभी। ओके ये इन्फो की वजह से ये नहीं दिख रहा है, ओके क्योंकि ये प्रॉपर इन्फो है। बट अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इन में से इन कलर के साथ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सपोज मेरा ब्लैक और ऑरेंज या फिर कोई दूसरा कलर के साथ कॉम्बिनेशन का वेबसाइट में बना रहा, ठीक है। सपोज मुझे पर्पल कलर का बटन चाहिए, यहाँ पे पर्पल कलर है क्या किसी में, प्री नाइस डिफाइन में मुझे वो नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, तब मैं सी एस एस लिखूंगा। ओके तब मैं मेरा खुद का सी एस एस लिखूंगा, यहाँ पे अभी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ खाली आपको दिखाने के लिए कि आप आपका खुद का सी एस एस भी लिख सकते हो, यानी उसके साथ अप्लाई कर सकते हो, यानी कस्टमाइज आप आपका कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरा खुद का सी एस एस लिखूंगा, एक क्लास बनाऊंगा मैं, सपोज मेरा वेबसाइट है कोई तो उसके लिए मैं btn हाइफन है सपोज पर्पल, ठीक है कलर का ही नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं दे दूंगा कि उसका जो टेक्स्ट का कलर हो, ओके यानी कलर जो है वो रहे वाइट, और जो उसका बैकग्राउंड कलर हो, बैकग्राउंड वो रहे पर्पल, ठीक है। ये तो हो गया मेरा बटन का स्टाइल, ओके। देन मुझे इसके ऊपर फिर से स्यूडो क्लास भी यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो ओवर जब मैं करूँ तो ये रिवर्स डायरेक्शन में मुझे दिखाना चाहिए इसने, तो यहाँ पे मैं ओवर लिखूंगा और उसके बाद इसको व्हाइट को मैं दे दूंगा यहाँ पे, तो उसका बैकग्राउंड व्हाइट हो जाए और उसका टेक्स्ट का कलर जो है वो तो कैसा हो जाए, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, और रिफ्रेश करता हूँ इसको, मैं अप्लाई करता हूँ किसी एक बटन को, ठीक है। ये इन्फो जो है कॉपी इसको लिया मैंने, ओके और इसको हटा देता हूँ मैं, btn हाइफन पर्पल सेव रिफ्रेश, देखो आ रहा है क्या, सेम स्टाइल है क्या, दिख रहा है क्या। सर ओके तो ऐसे आपका खुद का कस्टमाइज कर सकते हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो उन लोगों ने प्रोवाइड किया है उसके साथ, ठीक है। यानी अगर आपको कुछ आपका खुद का करना है तब आप उसी क्लास के साथ, देखो मैंने क्लास नहीं, ये क्लास नहीं हटाया बटन, जो स्टाइल वो प्रोवाइड कर रहा है वो तो मुझे चाहिए, ओके वो मुझे चाहिए, मुझे खाली चेंज क्या करना था उसका कलर, ओके उसका कलर मुझे चेंज करना था, मेरे साइड में सपोज मुझे पर्पल की जरूरत है ना कि इनकी, ठीक है। इस वजह से मैंने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, क्लियर है।
ठीक है, तो इसको नीचे लिखता हूं। आप इसका अपना कितना कितना स्क्रीनशॉट बाकी है आपका, इतना इसका ले लीजिए पहले, इतना ये पहले आपको इतना ट्राई करना है। लिया? यस ठीक है, देन इसका ले लो। फिर जहां पे हमने क्लास लिखा है, माना अभी यहाँ पे आप आपके ऊपर है, आपको क्लास ही लिखना है या फिर आपको यहाँ पे कोई आईडी लेना है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास ही लिया है, ओके, आप चाहते हो तो आईडी भी आप ले सकते हो, ठीक है। लिया क्या, ये हो गया? यस यस सर। ठीक है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कंटेनर्स, ओके। बूटस्ट्रैप प्रोवाइड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर, ओके। आगे चल के आप, अभी हमारा क्या रहेगा, सारे वेबसाइट किस में रहेंगे, कंटेनर्स में हम लिखते हैं, हमारा सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बहुत बार वेबसाइट्स दिखाई है, अबाउट अस, देन हमने होम देखा था, अबाउट देखा था, कॉन्टेक्ट अस रहे, ऐसा जो भी सेक्शंस है ना, उसके बाद आपका क्या रहता है, सेक्शंस के अंदर आपका कंटेनर रहता है, और उस कंटेनर में आपका सारा का सारा मल्टीपल जो आपके एलिमेंट्स हैं वो रहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो क्लास उस बटन के बाद। बढ़िया ठीक है, अभी इसके बाद हम देखते हैं जो मैं आपको बोला कंटेनर्स, ठीक है। तो आगे चल के हमें क्या करना है, हर बार कंटेनर्स हमें इस्तेमाल करने हैं, ओके। हर बार हम क्या करेंगे, कंटेनर्स का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मेन दो तरीके के कंटेनर है, कंटेनर क्लास है, ठीक है, क्लास, ओके, कंटेनर। ओके, तो जो कंटेनर क्लास है, ओके, ये क्या करता है, आपको फिक्स्ड विड्थ कंटेनर प्रोवाइड करता है, ओके। फिक्स्ड विड्थ, इसका विड्थ जो है फिक्स रहता है। जैसे कि अभी ये मेरा जो डेस्कटॉप है, मीन्स मेरा जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, इसका विड्थ कैसा रहेगा, 100% है, तो ये 100% फिल नहीं होगा, ये कुछ तो फिक्स परसेंट ही फील होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इस्तेमाल करूँ, पहले मैं इसको आपको दिखाता हूँ, सेव किया मैंने इसको, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर मैंने लिखा नहीं है कुछ भी। तो इसी कंटेनर को मैं लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट, सेव। देखो यहाँ पे आपको कंटेनर दिख रहा है, ओके। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यानी इसने क्या किया है, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड में ये क्या छोड़ देता है, मार्जिन छोड़ देता है, ओके। इसका कुछ फिक्स्ड विथ है, ओके। जैसे ही अगर आपको चेक करना है, तो हम यहाँ पे लेंगे बीजी और इसको कुछ दे देंगे, सपोज मैं ले लेता हूँ लाइट, लाइट आपको दिखेगा नहीं, इसकी जगह वन, सेव। देखो दिख रहा है क्या, अभी मैं फिक्स्ड विड्थ क्यों बोल रहा हूँ कब से, तो इसका विड्थ जो है फिक्स्ड है, देखो दिख रहा है क्या, यस ओके। अगर आपको फुल विड्थ चाहिए, यानी आपको ये पूरा 100% इसका प्रेजेंटेशन जो है आपको कंटेनर का वो 100% चाहिए, तब आपको क्या यूज करना है, उसका जो सेकंड कंटेनर है फ्लूड कंटेनर, वो आपको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, कंटेनर यूज करना है या फिर फ्लूड कंटेनर इस्तेमाल करना, कंटेनर फ्लूड। ओके, फ्लूड कंटेनर, इसका विड्थ कैसा है, 100%, ओके, ये 100% लेता है और ये फिक्स्ड है, ये कैसा है, फिक्स्ड विड्थ है, ओके।
और ये कैसा है आपका, इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे सपोर्ट्स डेंजर या फिर इन्फो लाइट रहेगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा रहेगा ये कैसा फुल वेथ, से अभी दोनों को चेक करते हम लोग। देखो ये फुल वेथ ले रहा है और ये फिक्स्ड वेथ ले रहा है, अभी समझ में आया क्या? ये डिपेंड है कि आप में इन दोनों में से आपको किसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, ओके, वो मैं आपको बताता हूँ, जो वो हम ग्रीडिंग के साथ भी उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। मीन्स टाइप्स मीन्स इसके साथ हमें कुछ ब्रेक पॉइंट्स इसके साथ देखने हैं, ठीक है। पहले ये बताओ मुझे, समझ में आया क्या कंटेनर क्या है? कंटेनर एक लार्ज ब्लॉक रहेगा जिसमें आप क्या दिखाओगे, आपका डिजाइन दिखाओगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ले लू, मैंने आपको आई थिंक बहुत बार ये दिखाई है, आई थिंक इसके अंदर भी आपको ये दिख जाएगा। तो सपोज सेक्शन, इसको हमने व्यू सोर्स किया, तो देखो मैंने कई बार आपको बोला है, देखो ये सेक्शन है और सेक्शन के अंदर क्लास कौन सा है, कंटेनर फ्लूइड दिख रहा है, और उसके अंदर ये सारा का सारा सेक्शन है, ओके। कोई भी सेक्शन आप देखो, देखो ये को ये कौन सा है, काउंट सेक्शन है, उसके अंदर भी देखो हर एक सेक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, कंटेनर मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोला कि आपका लार्ज ये जो है आपको दिख रहा है, ये कंटेनर में के अंदर रहेगा आपका, जो भी आप डेटा डिस्प्ले कर रहे हो, जो भी आप दिखाना चाहते हो, ये सारा का सारा किसके अंदर है, एक कंटेनर के अंदर है, ठीक है। तो आप एक तो कंटेनर का इस्तेमाल कीजिए या फिर कंटेनर फ्लूइड का इस्तेमाल कीजिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। तो ज्यादा नहीं हो जाएगा ना, ये ज्यादा हो रहा है बताओ, मैं तुम उस दिन जैसे नहीं तो बिल्कुल बोलोगे कि ज्यादा हो गया आज। ये सर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एंड कर देता हूँ। ये समझ में आया, कस्टमाइज आप कैसे अप्लाई कर सकते हो सीएसएस, यानी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो उन लोगों ने प्रोवाइड किया उसके साथ में सेटिस्फाइड नहीं हो, तो मैं खुद का मेरा सीएसएस लिखूंगा, ठीक है। बट इससे क्या हो जाता है, बूटस्ट्रैप से आपकी काफी चीजें आसान हो जाती है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हो, खाली जब आपको कस्टमाइज करना है तभी आपको कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिया क्या इसका स्क्रीनशॉट आपने? यस सर। ठीक है, चलो, और ऊपर का तो हमने लिया ही था, ओके, ठीक है। फिर चलो इसके आगे काम कल देखेंगे। आप